मामला पिछोर थाना क्षेत्र के कुंडलपुर गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक में गोली मार दी गई। घायल युवक को पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। घायल युवक के पिता ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते मेरे बेटे में 5 लोगों ने मिलकर गोली मारी, जिस पर पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर नितिन भार्गव ने बताया कि युवक को पुरानी रंजिश के चलते गोली लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक के पिता की शिकायत पर आरोपियों पर धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरनपाल है। कहाँ के हो? कुंडलपुर का। अच्छा गिरन, ये जो घायल है कौन है आपका? मेरा लड़का है। अच्छा कैसे घायल हुआ? गोली मार दी हमें। अच्छा किसने गोली मारी? अतर सिंह ने। अच्छा किस बात पर गोली मार दी? पुरानी रेंजर्स से। पुरानी रेंजर्स? हाँ। अच्छा तो गोली कहाँ से मारी? बंदूक से मारी। अच्छा कितने लोग थे? 5 लोग थे पूरे। अच्छा तो एक ने गोली मारी? हाँ। क्या नाम है उसका? अतर सिंह। अच्छा तो पुलिस मदद कर रही है? हाँ पुलिस मदद कर रही है। क्या चाहते हो आप? निर्णय चाहते साहब, इंसाफ होना चाहिए। बड़ा जान से मारा और पैरा फिर मारेंगे हम। सर एक युवक में गोली मारने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? एक ही प्रमुख फरियादी प्रमुख गिरवरपाल है अपना कुंडलपुर का। शाम को अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी पुरानी रंजिश में से लेकर उसके खेत पर कुछ लोग आ गए। राजन पाल, मेहरवान पाल, अतर सिंह पाल, धीरज पाल, पातिराम पाल आए और उसको पुरानी रंजिश से गाली गलौज करने लगे थे। उसने गाली गलौज मना दिया तो राजन पाल ने अपने हाथ में ली बंदूक से उसके बंदूक दिखाई तो ये भागा, उसने पीछे से अपने उसमें बंदूक की गोली मार दी, इससे घायल हो गया। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने धारा 307 का मामला पंजीकृत कर व्यवस्था में ले लिया।